एम्बर हर्ड के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद एक्टर जॉनी डेप काफी खुश नजर आ रहे हैं। हाल ही में जॉनी डेप को अपने दोस्तों के साथ ब्रिटेन के बर्मिंघम में एक इंडियन रेस्टोरेंट में डिनर करते देखा गया। वाराणसी नाम के इस होटल में जॉनी डेप अपने दोस्तों के साथ जीत का जश्न मनाते नजर आए। इस बात से जॉनी डेप के फैंस खुश तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन जब उन्हें जश्न के बिल का पता लगेगा तो शायद उनके होश उड़ जाए। जॉनी डेप ने अपने इस डिनर पार्टी के लिए इतने पैसे खर्च किए हैं जितने में कोई इंसान अपने लिए घर खरीद ले। दरअसल जॉनी डेप की इस पार्टी का बिल आया तकरीबन 48 लाख रुपए। जॉनी डेप ने सिंगर जेफ बेक समेत अपने 20 दोस्तों के साथ यहाँ डिनर किया था। सूत्रों की माने तो जॉनी डेप ने यहाँ इंडियन कुजीन को काफी इंजॉय किया। गौरतलब है कि इसी हफ्ते की शुरुआत में जॉनी डेप को न्यू कैसल नाम के एक पब में देखा गया था। इस दौरान फिश और चिप्स को एंजॉय करते हुए जॉनी डेप की ये फोटो इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। आपको बता दें कि जॉनी डेप का अपनी एक्स वाइफ एम्बर हर्ड से विवाद चल रहा था। कोर्ट में उन्होंने दावा किया था कि एम्बर ने खुद को घरेलू हिंसा का शिकार बताकर उन्हें बदनाम किया है, जिसके बाद उनकी प्रोफेशनल लाइफ तबाह हो गई। वहीं इससे जुड़े घरेलू हिंसा के मामले में जॉनी डेप को $2 मिलियन एम्बर को हर्जाने के रूप में देने के लिए कहा गया था। कई साल डेटिंग करने के बाद जॉनी डेप और एम्बर हर्ड ने 2015 में लॉस एंजल्स में शादी की थी। इसके बाद उन दोनों का रिश्ता कुछ ही समय चल पाया और दोनों के बीच लड़ाइयां होने लगी। इन लड़ाइयों से परेशान होकर दोनों ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी। मानहानि के इस केस को जॉनी डेप लंबे समय से लड़ रहे थे। इसके बाद कोर्ट ने अपना डिसीजन भी जॉनी डेप के फेवर में ही दिया, जिसके बाद जॉनी डेप काफी खुश नजर आ रहे हैं।